नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी बॉलीवुड फिल्मों के ऑलराउंडर डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे कॉमेडी हो या फिर एक्शन, रोहित दोनों तरह की फिल्में बनाना पसंद करते हैं। रोहित शेट्टी आज इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर हैं और उनके साथ अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह जैसे कलाकार काम कर चुके हैं। मगर एक्टर जब इंडस्ट्री में शुरू में आए थे तो हालात कुछ दूसरे थे, क्योंकि रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1976 को मुंबई में हुआ था। तो आज एक्टर के जन्मदिन पर हम आपको बता रहे हैं उनके जीवन और संघर्ष के बारे में कुछ खास बातें। फिल्म डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया और साथ ही कहा कि वे काफी मशक्कत के बाद अपने स्कूल पहुंचते थे। वे सुबह 5:49 की लोकल ट्रेन से अंधेरी पहुंचते थे, इसके बाद वे दूसरी ट्रेन से सेंटा क्रूज पहुंचते थे, इसके बाद वे कड़ी धूप में पैदल चलकर अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए बस लेते थे। रोहित शेट्टी का असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब एक्टर के पिता गुजर गए। रोहित के लिए जीवन जीना काफी मुश्किल हो गया। रोहित की मम्मी ने घर का पालन पोषण करने के लिए जॉब शुरू की और आज एक्टर की फिल्में आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाती हैं। यही नहीं, वे इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी सबसे ज्यादा फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। मगर बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि रोहित शेट्टी को करियर के शुरुआती दौर में कितनी सैलरी मिलती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि रोहित को एक दिन काम करने के लिए महज 35 रुपए मिलते थे? मगर दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से उन्होंने एक खास मुकाम हासिल किया। एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उन्होंने इंडस्ट्री के 3 बड़े स्टार्स को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर शेयर करने का मौका दिया है। ऐसा करना भी किसी डायरेक्टर के लिए आसान नहीं। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सूर्यवंशी एक कॉप ड्रामा फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह अहम रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट कैटरीना कैफ होंगी। फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। तो चलिए हमारी तरफ से भी रोहित शेट्टी को उनके जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं।